बरेली में एकता युवा वेलफेयर सोसाइटी के निसार खां, सैयद मीनू, इरशाद लई खां, अंकुर, उमेश अवस्थी आदि लोगों के साथ अकीदतमंदों की मदद के लिए आज दिन भर लगे रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अहमद रिजवी है, मैं इकौना जिला सरावस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे पीर मुर्शिद पूरे आलम सुन्नियत के पीर व पेशवा और सुन्नियत के जान हुजूर ताजु शरिया अलैह रहमतु रिजवान का विसाल हम पूरे अहले सुन्नत वल जमात का यकीनन एक बहुत गम हुआ और उनके इस दुनिया से चले जाने पर हम सबको बहुत अफसोस हुआ। आज दुनिया में उनका कोई बदल नहीं, उनका कोई सानी नहीं। ताजु शरिया अहले इस्लाम पूरे आलम इस्लाम में एक सुन्नियत के जान थे, उनके जाने का पूरे आलम इस्लाम को गम है और उनकी तजहीद व तकफीन में आज हम लोग शिरकत करने के लिए इकौना डिस्ट्रिक्ट सरावस्ती से आए थे और उनके तजहीद व तकफीन में आज के दिन करोड़ों आदमी मतलब आए और इतनी धूप की तमादे शिद्दत में लोगों ने अपनी इश्क मोहब्बत का बयान सबूत पेश फरमाया और उनके जाने का सबको गम और अफसोस और सबको बड़ा सदमा पहुंचा, जिसका हम लोग उनका आज दुनिया में बदल नहीं है ना उनका कोई सानी, जिसका आज तक भी हम लोगों को ये रहती जिंदगी तक उनका गम हम सबको छाए रहेगा। हमारे इकौना से दो बसें हुजूर ताजु शरिया के इश्क मोहब्बत में और पूरी बस दोनों खचाखच भरी हुई थी, जिसमें एक एक बस में तकरीबन 70-70 आदमी और सफ़र की तमाम कोफ्तों को बर्दाश्त करते हुए तमाम तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए आए और इकौना से दसियों गाड़ियां हमारे उनके इश्क मोहब्बत में छूटी गाड़ियां भी आई और सबों ने हुजूर ताजु शरिया अलैह रहमत व दीवान के जनाजे और तदफीन में शिरकत की। अब हम लोग यहाँ शिरकत करने के बाद फिर अपने वतन जा रहे हैं। 12/7/18 को एकता युवा वेलफेयर सोसाइटी बरेली कॉमन में बैठक संबोधित करते हुए अध्यक्ष मैं मोहम्मद निसार बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने हिंदू भाई जो थे वहाँ पर कालीबाड़ी पर मटकी चौकी पर सबने पानी पिलाया, शरबत पिलाया, एक गंगा जमुना तहजीब की उन्होंने मिसाल दी और यही बरेली की शान है और मुझे गर्व है कि मैं बरेली का हूँ।